नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। खबरें विस्तार से सिटी वॉच में। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कालीचरण पीजी कॉलेज के नवनिर्मित शताब्दी विस्तार भवन के लोकार्पण समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में युवा पीढ़ी का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है। अगर युवा पीढ़ी ठान ले तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन सकता है। सीएम ने युवाओं से कहा कि महाविद्यालय एक अच्छी दिशा में जा रहा है। हम जानते हैं कि भारत में ज्ञान की परंपरा के आदान प्रदान पर विश्वास करती है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे यूपी सरकार के काम का असर देखने को मिल रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। कमलेश तिवारी की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी पर 15 बार चाकुओं से हमला किया गया था और एक गोली मारी गई थी। वही खास बात है कि चाकुओं के सभी 15 बार सिर्फ जबड़े से लेकर छाती के बीच में 10 सेंटीमीटर के भीतर किया गया। बता दें कि कमलेश तिवारी के सीने और जबड़े पर चाकुओं से वार किया गया और फिर गला रेत दिया गया, जबकि इसके बाद चेहरे पर एक गोली भी मारी गई। साथ ही सिर के पीछे हिस्से में 32 बोर की गोली फंसी मिली, यानी कमलेश तिवारी की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। कमलेश तिवारी हत्याकांड में फरार दोनों आरोपियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम अशफाक और मोइनुद्दीन है। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर श्यामलाल जी के पास से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ है कि लखनऊ में कमलेश तिवारी से मिलने दोनों अपना असली नाम बदलकर गए थे। अशफाक जहां रोहित तो वहीं मोइनुद्दीन संजय बनकर कमलेश तिवारी से मुलाकात करने पहुंचा था। दोनों आरोपियों ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने इस वारदात को कमलेश तिवारी के मोहम्मद पैगंबर को लेकर दिए गए बयान के बाद किया है। इससे पहले एजेंसियों के साथ काम कर रहे स्पेशल टास्क फोर्स ने इसी मामले में एक इनोवा कार जब्त की थी। कमलेश के कातिलों ने लखीमपुर में पालिया से शाहजहांपुर तक जाने के लिए इसे बुक किया था। कार के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ड्राइवर ने खुलासा किया कि कार को उसके मालिक के एक रिश्तेदार ने गुजरात से 5,000 रुपए में बुक किया था। माना गया है कि कातिल इसी कार से लखीमपुर से शाहजहांपुर गए थे, जहां सोमवार को एक सीसीटीवी कैमरे में उन्हें बस स्टेशन की तरफ पैदल जाते हुए देखा गया था। आप सोचिए, पुलिस और अपराधी आमने सामने हो और पुलिस की बंदूक से गोली ही ना चले तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के बलिया में, जहां मॉक ड्रिल के दौरान यूपी पुलिस की बंदूकों की पोल खुल गई। रिहर्सल के दौरान पुलिसकर्मी ने आंसू गैस के गोले दागने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आंसू गैस का गोला नहीं दागा जा सका। कार्यक्रम था कि पुलिस वालों को सिखाया जाए कि अगर कहीं दंगा हो जाए तो निपटा कैसे जाए। कार्यक्रम शुरू हुआ तो पुलिस की पोल पट्टी खुल गई। जरा सोचिए कि जहां बवाल मचा हो वहां इस तरह की तैयारी के साथ पुलिस वाले पहुंचे तो क्या होगा? बता दें कि इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि आतंकवाद विरोधी दिवस पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दंगाइयों से निपटने के पुलिसकर्मियों को पूर्वाभ्यास कराया जा रहा था। तो आपको बता दें कि बलिया में यूपी पुलिस की पूरी पोल पट्टी खुल गई है, जहां ये सिखाने की कोशिश की जा रही थी पुलिसों को कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर उनके पास सूचना है या ऐसी कहीं भी कोई ऐसी खबर मिले जहां दंगा हो गया हो, वहां पर उन्हें किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। लेकिन वहां उनकी खुद की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई। फिलहाल बढ़ते अगले खबर की तरफ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह के सख्त निर्देशों के बावजूद भी वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली रुकने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करती हुई नजर आ रही है।
वहीं पुलिस की अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो लखनऊ के चिन्हट तिराहा का है। वीडियो में मोहम्मद इतफाल नाम का ट्रैफिक हवलदार वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मिल बांट कर पैसा लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान अवैध वसूली लगातार जारी है, बल्कि निर्देश भी दिए गए हैं कि वाहन चेकिंग के दौरान किसी भी तरीके से पुलिस जो है वो ना ही यात्री को परेशान करेगी और ना ही इस तरीके की अवैध वसूली करेगी। लेकिन लग रहा है कि इन ट्रैफिक हवलदारों के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है, तभी ये तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां लगातार अवैध वसूली के नाम पर हवलदार दिखाई पड़ रहे हैं। बस्ती में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर कहा कि यूपी में बेरोजगारी की वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, राज्य में लगातार हत्याएं हो रही हैं और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। वहीं राजकिशोर सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने नौजवानों से झूठ बोलकर रोजगार का लालच देकर उनमें उमंग और उत्साह भरा था, लेकिन जब सत्ता में आए तो बीजेपी ने किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, बल्कि जिनके पास रोजगार था उसे भी छीनने का काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे लोगों में गुस्सा और कुंठा भी बढ़ रही है और लोग अपराध की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जाम की समस्या लोगों के लिए तो परेशानी का सबब होती ही है, लेकिन अगर इसको लेकर झगड़े और रोड रेज की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन जाती हैं, वहीं जाम लगने की सूचना पर रामपुर पहुंची आईजी मुरादाबाद में रेंज ने कहा कि बिना सिक्योरिटी के तामझाम सादे कपड़ों में एक आम आदमी की तरह रिक्शा में बैठकर घरे बाजार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी निरीक्षण किया। बता दें कि जिले में मिस्टनगंज का बाजार बेहद घनी आबादी क्षेत्र में है, ऐसे में यहां पर हर शाम बेहद जाम लग जाता है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां तो होती ही हैं। रिक्शे वाले और साइकिल वाले और बाइक सवार अक्सर आपस में भिड़ भी जाते हैं। त्योहारों के मद्देनजर बिजनौर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में मिलावटी सामान बरामद किया। बता दें कि बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम और एसडीएम ने छापेमारी करते हुए एक गोदाम से नकली घी और नमकीन समेत अन्य सामान बरामद किया। खाद्य विभाग की टीम ने सभी सामान का सैंपल लेते हुए सामान को सील कर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं खाद्य विभाग की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। बस्ती जिले में त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। बाजारों में नकली खोवा की मिठाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। वहीं जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी दौरान बस्ती रोडवेज से 3 बोरी में 1 क्विंटल 25 किलो नकली खोया पकड़ा गया है, जिसे टीम ने अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह खोवा रोडवेज की बस से बस्ती लाया गया था और बस चालक इसे बस्ती उतार कर गायब हो गया। इतनी ज्यादा मात्रा में नकली खोआ देखकर खाद्य विभाग की टीम भी भौचक्का रह गई। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों को देखकर अभियुक्त मौके से फरार हो गया। फिलहाल टीम ने खोए का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। इस स्थिति मिला है रोडवेज के सामने, बिल्कुल लावारिस स्थिति में था। ये 3 बोरी थी और इस पे कोई नाम है न पता है, और जिस तरीके से रखा हुआ है वो भी आप भी देख रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में होगा? कितनी? ये 3 बोरी है, लगभग 40 से 45 किलो की ये बोरी है, लगभग 125 किलो। कहाँ से आई थी? अब ये तो पूछने पर पता नहीं, कोई बताया किस बस, लेकिन ये बस भी नहीं पता लग पाई। बस मिल जाती तो फिर उनके ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ जरूर कार्रवाई करते। कहाँ से बरामद हुआ? ये रोडवेज के सामने जो मंदिर बना हुआ है उसी के पास रखा हुआ था लावारिस सारा। क्या दिवाली के मद्देनजर इस तरह से विशेष रूप से लगाया गया था?
दीपावली पर्व को लेकर जहां एक ओर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोर सक्रिय हैं, तो वहीं खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कासगंज में एसडीएम ललित कुमार के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने सहावर रोड स्थित नरेश साहू के दूध की दुकान पर छापा मारा। यहां से टीम ने दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। बाद में यह टीम शहर के सहावर गेट स्थित गिराज देशी घी के गोदाम पर पहुंची, जहां टीम ने देशी घी के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेज दिया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में फूड सेफ्टी टीम के साथ आज एक सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। सबसे पहले चांदी रोड पर गणेश साहू की किलिंग छोटा प्लांट है जहाँ दूध की सप्लाई होती है, शिकायत मिल रही थी कि कुछ उसमें चीज़ें मिलाई जा रही है जो स्वास्थ्य से खतरनाक है। इसके अलावा आज मेन बाज़ार में नरेश घी वाले हैं, इनके यहाँ की सैंपलिंग और उनके सैंपल टेस्ट किए जाएंगे, जो भी जैसे सैंपल आ जाते हैं वैसी आज कार्रवाई की जाए। ये किस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी सर, ये दीपावली की दृष्टि हो रही है? देखिए, समय समय पर जिलाधिकारी महोदय जारी होते हैं और दिन की सैंपलिंग होती है, उसके अलावा दवाई को आगा करने के लिए या मैनपुरी जिले के अलाव गांव में स्थिति एक डाक खाने पर तैनात पोस्टमास्टर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया, जिसे खाता धारकों में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत डाक अधीक्षक से की, जिस पर उन्होंने खाताधारकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी पोस्टमास्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपकी धनराशि वापस की जाएगी। पीड़ितों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पोस्टमास्टर ने हजारों खाताधारकों से सुकन्या योजना और आईडी चलाने के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए थे और खाताधारकों को गुमराह करके उनकी पासबुकों को अपने पास जमा करा लिया गया था, जिनमें खाताधारकों लाखों रुपए जमा कर चुके हैं और अब पोस्टमास्टर फरार हो गया है। सीतापुर के कस्बा रामपुर मथुरा स्थित आर्यावर्त बैंक में अव्यवस्था का बोलबाला है। इस शाखा में कहीं सर्वर नहीं तो कहीं कैश नहीं तो कभी स्टाफ ही नहीं, ये सारी समस्याएं खाताधारकों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। गौरतलब है कि दीपावली, धनतेरस, भैयादूज जैसे त्योहारों आ रहे हैं और इसके साथ साथ खेतीहर किसानों को भी पैसों की आवश्यकता है, लेकिन खाताधारकों को पैसे नहीं मिल रहे हैं और खाताधारक बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सफाई के नाम पर ताजमहल को दागदार करने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर निगम प्रतिबंध डीजल जनरेटर से ताजमहल के साफ सफाई करवा रहा है और सड़कों की सफाई करने के लिए डीजल पंप का धल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ताजमहल की सड़कों को चमकाने के लिए जिन डीजल पंपों का प्रयोग किया जा रहा है उनसे निकलता धुआं ताजमहल की सुंदरता को दागदार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिस ताजमहल की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए ताज नगरी से प्रदूषण आने वाली इकाइयों को टीडीजेड जोन से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था, जिम्मेदार विभागीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब जिम्मेदार विभाग ही ताजमहल की सुंदरता और संरक्षण के लिए बनाए गए कानून से खिलवाड़ करेंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। महोबा पहुंचे जिले के नोडल पुलिस अधिकारी ने थाना कोतवाली समेत पुलिस कार्यालय और उप कारागार का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर पुलिस की कार्यशैली के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस महकमे के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए पुलिस महानिरीक्षक रेलवे विजय प्रकाश ने महोबा पहुंचकर कानून व्यवस्था की हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में गंदगी मिलने पर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए और उप कारागार पहुंचे कैदियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पुलिस नोडल ऑफिसर के तौर पे जनपद महोबा में मेरा आज आगमन हुआ है। मैंने इसमें जो शासन के निर्देश थे उसके क्रम में पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन का विजिट किया था। उसके बाद एक पुलिस एसपी के साथ और रजिस्टर्ड ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने मैंने 10 एप्लीकेशंस निकाली थी
उनमें जो उनके एप्लीकेशन देने वाले थे उन लोगों से फ़ोन पे बात की और उनसे उनकी पुलिस की संतुष्टि के संबंध में, पुलिस की कार्रवाई की संतुष्टि के संबंध में जानकारी हासिल की। इसके साथ जब मूवमेंट किया, जब घूमे तो उसमें पुलिस थाने की और पुलिस लाइन की रखरखाव और जो प्रबंधन है उसके संबंध में जानकारी हासिल की। उसके अलावा एक मीटिंग कलेक्टर साहब के साथ और बाकी प्रोसिक्यूशन। यूपी सरकार की मंशा के अनुसार अपराधों को नियंत्रण के लिए आईजी जोन आगरा सतीश गणेश ने जनपद मैनपुरी में औचक निरीक्षण किया। अपने दो दिवसीय जिला दौरे के दौरान आईजी जोन आगरा ने घिरोर थाना करहल के अलावा पुलिस लाइन में बने सभागार शस्त्र गृह का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने मैनपुरी में एसपी अजय शंकर राय को निर्देशित किया कि पुलिस का जो आचरण है उसमें और सुधार लाने का काम करें और जो विवेचना कर रहा है उनको बुलाकर उनकी पाठशाला कराई जाए। वहीं साइबर कैफे में हो रहे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए उसकी भी एक पाठशाला चलाई जाए। बस्ती में प्रदेश के प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास और आबकारी संजय आर भूस रेड्डी और जिले के नोडल अधिकारी ने मुंडेरवा चीनी मिल और साऊ घाट ब्लॉक के कुसमहा ग्राम के गौशाला स्थल का निरीक्षण किया और चौपाल लगाकर विकास योजनाओं का सत्यापन किया। वहीं इस मौके पर डीएम आशुतोष निरंजन और सीडीओ अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। प्रमुख सचिव ने मुंडेरवा चीनी मिल पहुंचकर मिल का निरीक्षण किया। वहीं चीनी मिल के प्रबंधक ने बताया कि अब तक बस्ती के 599 और खलीलाबाद के 117 किसानों ने पूर्व में किए गए सर्वे के दौरान हुई त्रुटियों को सही कराया है। उन्होंने बताया कि इस चीनी मिल परिक्षेत्र में कुल 32,000 गन्ना किसान हैं और प्रमुख सचिव ने बताया कि 15 से 19 नवंबर के बीच किसी भी दिन सीएम यहां आकर मिल के पेरोई सत्र का उद्घाटन कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि 10 नवंबर के पहले तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। पिछले साल नई बन के तैयार हुई, सिर्फ उसका जो टर्बाइन था वो नहीं लग पाया था, वो बाहर से आ रहा था। मिल का पिछले साल 50,000 क्विंटल का तीन क्रशिंग होकर ट्रायल हो गया। इस साल फुल फ्लेज मिल चलेगी अपने 5,000 TCD पे और पर डे क्रशिंग पे, और बिजली का भी उत्पादन होगा, सीरे का भी उत्पादन होगा। सीरे को प्राइस की डिस्टिलरी हमारी बनेगी, उसको ले जा करके उसका एथेनॉल वगैरह बनाने का काम होगा, जिससे मिल को ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जित हो, जिससे गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करने में सहजता और सुविधा हो। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 17 से 20 मुंडेरवा, 15 से 17 ट्रैकिंग। सर, 3 दिन का आपका बस्ती का दौरा था, तो किस तरीके से फीडबैक मिला, योजनाओं का क्या कार्रवाई है? बिजनौर में पुलिस ने एक वकील की बाइक का चालान काट दिया, जिससे नाराज वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए पुलिसकर्मियों की बाइक की चेकिंग की और जिनके कागजात पूरे नहीं मिले उनकी बाइक की चाबी निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। दरअसल बिजनौर के बाजार में एक पुलिसकर्मी ने खरीदारी करने आए एक वकील की बाइक को रोक कर हेलमेट न पहनने को लेकर उसका चालान काट दिया। ये बात जब उस वकील ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बताई तो इस घटना से गुस्साए वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए पुलिसकर्मियों के वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की बाइकों के कागजात पूरे ना मिलने पर वकीलों ने बाइकों की चाबियां निकालकर अपने कब्जे में ले ली। वहीं कुछ वकीलों ने कुछ पुलिसकर्मियों से आर्थिक दंड वसूल कर बार एसोसिएशन की रसीद भी काट दी। आम जनता भी है, हम सभी के लिए ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं हमारे, वो चेकिंग करते समय स्थान नहीं देख रहे। अगर कोई चेकिंग का मामला है भी, हम खिलाफ नहीं है चेकिंग के, चेकिंग होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, कागज पूरे होने चाहिए, लेकिन अगर किसी के सारे पेपर कंप्लीट हैं, हेलमेट चेक होने की भी एक जगह स्थान होना चाहिए। मार्केट में आप सामान खरीदने वाले को हेलमेट थोड़ी चेक करेंगे। हमारे एक अधिवक्ता हैं, शाम वो मार्केट में गए हुए थे, तो मार्केट में जो मेन चौराहा है हमारा, वहाँ मेन चौराहे पर उनका चेकिंग कर रहे थे पुलिस वाले। उन्होंने चेकिंग किया और उन्होंने सारे पेपर उन्हें दिखाए, लेकिन पेपर नहीं देखे उन्होंने, उन्होंने उठा के उनका हेलमेट पे चालान कर दिया।
रामपुर में एक गाड़ी से 3 लाख कैश बरामद हुआ है। दरअसल जिले के हाथी खाने चौराहे से किसी व्यक्ति ने जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी कि किसी गाड़ी में कुछ लोग पैसा लेकर घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर को मौके पर भेजा और बताई हुई गाड़ी की जांच कराई, जिसमें से पुलिस को 3 लाख कैश बरामद मिला। वहीं जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इस रुपए की जानकारी कार्रवाई की जा रही है कि जहां कि कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था, सारी जानकारी कर जिन लोगों से पैसा बरामद हुआ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला महोबा का है, जहां सिंचाई विभाग के अमीन का रिश्वत लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह भूमि पट्टा रिन्यूअल किनारे के नाम पर किसानों से जमकर रिश्वत ली जा रही है। वहीं किसानों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मामले को लेकर सवाल पूछने पर कैमरे के सामने आने से विभागीय जिम्मेवार बचते नजर आ रहे हैं। बता दें कि रिश्वतखोर अमीन रजनीश शुक्ला महोबा सिंचाई प्रखंड में तैनात है। रामपुर में उपचुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंज थाना क्षेत्र में वोटिंग से एक दिन पहले 22 वर्षीय युवक का शव चादर में लिपटा हुआ मिला था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मृतक की शिनाख्त पाखंड निवासी नदीम के रूप में हुई थी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। संभल के चंदौसी के निकट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई, जहां कपड़े की फेरी कर मुरादाबाद की ओर जा रहे युवक को स्कूल बस ने पीछे से साइड में टक्कर मार दी, जिससे युवक अनियंत्रित होकर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि युवक फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बिजनौर के रायपुर सादात थाना क्षेत्र के मेघपुरा सुल्तान गांव निवासी एक युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक गांव की पड़ोसी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल कर दी। वहीं इस घटना को लेकर रायपुर सादात पुलिस ने गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ये थाना नगीना देहात क्षेत्र के अंतर्गत मीरपुरा सुल्तान गांव में एक लड़की ने FIR लिखाई है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी जो है शादी का झांसा देकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है। उस संबंध में थाना नगीना हमीरपुर की तहसील सरीला क्षेत्र के धगमा गाँव के दर्जनों किसानों ने खुले बाजार से खरीदी DAP खाद निकलने पर जमकर हंगामा किया और नकली खाद की सूचना जरिया थाने की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस, जिला कृषि अधिकारी ने खाद का नमूना लेने के बाद उसे थाना जरिया पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू होते ही नकली खादों का कारोबार शुरू हो जाता है। वहीं मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारी ने बताया कि खाद मिलावटी है, जिसका नमूना ले लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान भाइयों ने सूचना दिया था, आज सवेरे सूचना दिया था हमको, तो ये सुबह हमने बताया है इनको, तुरंत ही आके यहाँ देखा है उसको, तो अभी उसमें हम नमूना अधिग्रहित करते हुए इसको जांच के लिए भेजी। जांच के बाद ही इसको पहचान के बाद उसके बाद तब ये कार्रवाई की है। तो इसे किसान भाइयों से हमारा ये अनुरोध भी है और अपील भी है कि अधिकृत विक्रेता से खाद खरीदें, दूसरा खुद जांच करके अपनी सामान्य जांच भी वहाँ कर ली जाए, जिससे कि वो इस प्रकार के उससे बचे। इस समय सीजन चल रहा है, लोग हो सकता है कि कहीं खाद में समस्या आ सकती है, तो इसलिए खुद जांच करके
उसको परीक्षा। महोबा में मासूमों की जिंदगी से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र में क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूली बसों में धड़ल्ले से लिया जाता है। आलम यह है कि छात्र स्कूली बसों में भूसे की तरह भरे जाते हैं और छात्र चलती बस में दौड़कर चढ़ते और उतरते हैं। वहीं पूरे मामले में विद्यालय प्रबंधन और प्रशासनिक जिम्मेदार हादसे का इंतजार करते हुए मौन साधे बैठे हुए हैं, जिसके चलते लगातार मुख्यालय समेत जिले भर में विद्यालयों में मानकों की अनदेखी की जा रही है। तो आपको बता दें कि मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जितनी कैपेसिटी है उस बस की, उससे ज्यादा भूसे की तरह बच्चों को भरा जा रहा है। और जब कोई हादसा हो जाता है या बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है, या फिर हमने आपको अभी खबर में बताया कि ऐसे बसों में जो बच्चे हैं वो चलती बस से उतरते हैं और चढ़ते हैं, जब कोई हादसा या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं उसके बाद से विद्यालय ना मीडिया के सामने आकर आने से इतराता है और कहीं ना कहीं सवाल जब उनसे पूछे जाते हैं तो उसे हिचकिचाते हुए नजर आते हैं। ये आलम है, जबकि लगातार इस पे कार्रवाई भी होती रही और लगातार सरकार की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जितनी क्षमता है उतने ही बच्चों को बसों में लिया जाए। राजधानी लखनऊ में डीजीपी और एसएसपी के आदेशों के बावजूद थानेदार ढुलमुल रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल बीते एक महीने से एक युवक हसनगंज थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। बता दें कि बीते एक महीने से मामले की विवेचना हो रही है, लेकिन पीड़ित को अभी तक उसकी गाड़ियां नहीं मिली हैं। इतना ही नहीं, हसनगंज थाना अध्यक्ष पीड़ित पर दबाव बना रहे हैं। वहीं जब यह मामला पीड़ित पत्रकार के भाई का निकला तो थाना अध्यक्ष यह कहते नजर आए कि आप कोई वीवीआईपी नहीं है, आपको जो करना हो वो कर लो। वहीं पीड़ित का कहना है कि एक महीने से लगातार हसनगंज थाना अध्यक्ष विवेचना करा रहे हैं। वहीं पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी गाड़ी कल तक नहीं मिलेगी तो हम विधानसभा के पास आत्मदाह करेंगे। बता दें कि पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ।